अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और डेली की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत मज़े की न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी गाजर का हलवा, वो भी न्यू स्टाइल से, बहुत ही मज़े का बनता है, करीमी सा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 किलो दूध ले लिया। इसमें खुशबू के लिए 2 इलायची ऐड करेंगे छोटी। अब दूध के बॉयल आने का करते हैं वेट। गाजरें जो मैंने 2 किलो ली थी उनको कर लिया था ग्रेट, ये ऐड कर देंगे। दूध को बॉयल आ चुका है तो गाजरें ऐड करने के बाद हमने मीडियम आंच पे इसको पकाना है। चम्मच को हिलाते रहना है 5 मिनट के बाद। इसी दूध में वो हमारी जो गाजरें हैं वो पक जाएंगी और इससे बहुत क्रीमी बनता है। इसी तरह चम्मच को हिलाते रहेंगे जब तक दूध ना ड्राई हो जाए। 5-5 मिनट तक हिलाते रहें। इसी दौरान अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, उससे आपको मेरी न्यू और इजी रेसिपी सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो दूध जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो चुका है। चम्मच को हिलाते रहें और साइडों से जो है वो इस तरह चम्मच से उतारते रहें। ये देखें, सेवेंटी परसेंट जो है वो दूध ड्राई हो चुका है। दूध में पकाने से बहुत ही क्रीमी बनती हैं और मज़े का इनका टेस्ट आता है। दूध ड्राई हो जाए फिर हम और चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। चलिए ये देखें, काफ़ी दूध जो है वो ड्राई हो चुका है। ऑलमोस्ट जो है वो दूध ड्राई हो चुका है, ये देखें, और गाजरें भी हमारी अच्छी तरह गल चुकी हैं। ये देख, बिल्कुल आपने दूध को करना है ड्राई, फिर हम इसमें कोई और चीज़ ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट में हम इसमें ऐड करेंगे घी, जो 2 से 3 टेबलस्पून है, ये ऐड करेंगे। इससे हमने इसकी अच्छी तरह करनी है बुनाई। कुक तो ये ऑलमोस्ट हो ही चुकी हैं तो इसकी बुनाई करने वाली रह चुकी है, तो वो हम 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करेंगे। चलें इसको पैन में निकाल लेते हैं। इसकी बुनाई जो है वो हो चुकी है तो अब इस पॉइंट में हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। 2 कप ऐड करेंगे चीनी के। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं और क्वांटिटी के हिसाब से कितनी आप गाजरें यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप चीनी ऐड कर सकते हैं। चीनी को अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स और इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। चलिए देखिए, चीनी जो है वो हमारी कुक हो चुकी है, बहुत ही मज़े का बनता है, क्रीमी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस पॉइंट में इसमें खोया ऐड करेंगे, होममेड खोया ऐड कर रहे हैं। इसकी रेसिपी भी मैं आपको बहुत जल्द दूंगी, तो इससे बहुत क्रीमी और मज़े का बनता है, ये आप एंड पे ज़रूर ऐड किया करें। अच्छी तरह कर देंगे मिक्स। चूल्हे को मैंने कर दिया है बंद इस पॉइंट पे, तो अच्छी तरह खोए को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जो मैंने मेवे लिए हैं, बादाम लिए हैं और कोकोनट लिए हैं। अगर ना भी ऐड करना चाहें तो ऐसे ही ये बहुत मज़े की टेस्टी बनती है, तो मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, आप स्किप भी कर सकते हैं।
तो देखिए माशाल्लाह हमारा गाजर का हलवा जो है हो चुका है रेडी, बहुत ही मज़े का और क्रीमी सा और बहुत इजी बनता है। आप एक साइड पर रख के भी इसको बना सकते हैं इजीली और दूसरे काम भी आप इजीली कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।